हेलो बच्चों, अपन चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अपन ने दो वीडियो बना दिया, आज तीसरा वीडियो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। अब आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो टॉपिक है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपने को ध्यान देना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप ऐसे जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि गैमेट्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है मेल ऑर्गेनिज्म और एक होता है फीमेल ऑर्गेनिज्म। ये दोनों अपोजिट सेक्स है, अपोजिट सेक्स ऑर्गेनिज्म है। मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, इनके द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। इन गैमेट्स को अपन कहेंगे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इनका नाम होगा मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये आपस में फ्यूज होंगे, इस रिएक्शन को अपन कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपको पता है जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट बनके फिर क्या होगा, आगे न्यू बॉर्न बेबी बनेगा। क्या बनेगा, न्यू प्रोजनी। न्यू प्रोजनी ओवर न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट इज वेरी लॉन्ग इलोबरेट प्रोसेस एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत लॉन्ग है, इलोबरेट है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप का आपको बताना है रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स है वो इस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, इसका कारण ये है कि इसके कारण क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन होंगे और जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण न्यू कैरेक्टर ओरिजिन होंगे और न्यू कैरेक्टर ओरिजिन होने के कारण वो क्या होगा, एनवायरमेंट में इजीली जस्ट सरवाइव करेगा। तो आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हो, जबकि जो नॉर्मल मोनरा है, प्रोटिस्टा है, जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स होते हैं वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। ये सवाल आता है कई बार एग्जाम में कि वाई कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ओवर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी एनिमल्स सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचुरल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन ओरिजिन होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन ओरिजिन होने के कारण न्यू कैरेक्टर ओरिजिन होते हैं और न्यू कैरेक्टर ओरिजिन होने के कारण अपन कहते हैं वो एनिमल ज्यादा सर्वाइव करेगा एनवायरमेंट में, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला एनिमल्स ये शो करता है। अब आपसे पूछा जाता है दोनों में से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होंगे, इसके अलावा जेनेटिक वेरिएशन के कारण न्यू कैरेक्टर ओरिजिन होंगे और न्यू स्पीसीज ओरिजिन होगी, इसलिए क्या माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है ये सेक्सुअल के कंपेयर में। अब ये जो एक अगला क्वेश्चन इन्होंने फिर पुटअप कर लिया है कि न्यू प्रोजनी या जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनी है वो क्या आपस में सिमिलर है, एक पेरेंट से उसके चार पुत्र उत्पन्न हुए, फोर मान लो संतान उत्पन्न हुई, चारों संतान मान लो एक लड़का एक लड़का एक लड़का एक लड़का या दो लड़का, क्या ये चारों आपस में इक्वल होंगे, नहीं, दे आर नॉट जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली ट्विंस। ये आपस में एक दूसरे के जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेल डिविजन होता है और मियोसिस सेल डिविजन के कारण आपको बताना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण वेरिएशन ओरिजिन हो जाएंगे, ये अपने ध्यान। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है कि जो न्यू प्रोजनी बनती है वो मियोसिस सेल डिविजन होता है गैमेट बनते समय, और गैमेट बनते समय मियोसिस सेल डिविजन होने के कारण जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और न्यू स्पीसीज बनेगी, वो डिफर होगी। अब सवाल पूछा गया कि ये पेरेंट्स के इक्वल होगी, नहीं, ये पेरेंट्स के भी इक्वल नहीं होगी। पेरेंट्स के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर अलग है और इसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर अलग है। पेरेंट्स मेल है, मेल और फीमेल मिले तब बच्चा बना, तो इसमें ना तो आधे मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे आधे फीमेल के आ जाएंगे, इसलिए मेल और फीमेल जैसा नहीं होगा, ठीक है, यानी दोनों से अलग हटके होगा, ये अपने क्वेश्चन पुटअप किया इन्होंने। अब बच्चों आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरे चैनल को थोड़ा फैलाएं। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई अपने
अलग अलग क्या होता है, एज ग्रुप्स होते हैं बायोलॉजी में, थोड़े एज ग्रुप्स हैं उनको क्या है डिवाइड अलग हिसाब से किया गया है, ये अपने ध्यान रखना। बायोलॉजी में थोड़े एज ग्रुप को डिवाइड अलग हिसाब से किया गया है। और बायोलॉजी है उसमें क्या है, एज ग्रुप्स तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए बच्चों। सबसे पहले है जुवेनाइल फेज, क्या होती है जुवेनाइल, या इसको कहते हैं वेजिटेटिव फेज, क्या कहते हैं प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दूसरा है जिसका नाम आपको बताना है, दूसरी स्टेज होती है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। कैसी स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है रिप्रोडक्टिव स्टेज। और तीसरी होती है सीनेसेंस स्टेज। तो तीन स्टेज है, इसको ओल्ड एज भी कहा जाता है, ठीक है। अब जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना है जब एम्ब्रियो है, जब चाइल्ड बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ से वो क्या होगा, चाइल्ड बर्थ से लगाकर जब तक वो रिप्रोडक्शन के योग्य होगा उसके बीच की स्टेज को क्या माना जाता है, उसको जुवेनाइल स्टेज माना जाता है। या आज सीड है उसका जर्मिनेशन हुआ है, या आज सीड है उसका जर्मिनेशन हुआ है और उसमें जो फ्लोरिंग आया है, फ्लोरिंग हुई है, उसके बीच का टाइम पीरियड क्या माना जाता है, जुवेनाइल स्टेज माना जाता है। ये बायोलॉजी में थोड़ा आपको अलग याद रखना, आपके आसपास जो आप अलग स्टेज पढ़ते हो अलग है या अलग लिखा हुआ है। चाइल्ड बर्थ से लगाकर जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसके बीच का टाइम, जैसे आज बच्चे का जन्म हुआ, जब तक वो रिप्रोडक्शन के योग्य नहीं हो जाता है उसके बीच की स्टेज को कहा जाता है जुवेनाइल स्टेज। या अपन कहते हैं आज सीड जर्मिनेशन हुआ, आज आपने बीज को बोया है, पौधा उगा है और उसके अंदर जब तक फ्लावर नहीं आएंगे तब तक उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है वेजिटेटिव फेज। फिर रिप्रोडक्टिव फेज में इसमें क्या होगा, प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग आएगी, प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होगा और प्लांट से उसमें फ्रूट्स आएंगे, उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, यानी इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, दिस स्टेज इज कॉल्ड इज रिप्रोडक्टिव स्टेज। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको बताना है ये नई प्रोजनी बनाने योग्य हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजनी और फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, अगर नई ऑफ स्प्रिंग या नई प्रोजनी बनाता है उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। और सीनेसेंस या ओल्ड स्टेज का मतलब इसमें मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा एनिमल, मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा एनिमल, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा, उसके ऑर्गन सिस्टम वर्क करना बंद कर देंगे और आखिर में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या है, डेथ है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये तीनों स्टेज है, कितनी स्टेज है, तीनों स्टेज है। इसका क्या होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज और दूसरी से तीसरी स्टेज में जाने का जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो इस स्टेज को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हार्मोन, पहला हार्मोन्स क्या करता है, इस स्टेज को इस स्टेज में, इस स्टेज को इस स्टेज में जाने का कंट्रोल करता है, इसको कम ज्यादा करने का काम करता है। दूसरा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो भी क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। सम हार्मोन एंड सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल दीज स्टेज, ठीक है, इसका समय बढ़ना या घटना। जैसे वे जुवेनाइल स्टेज किसी के अंदर जैसे कम टाइम है, किसी के अंदर एनिमल्स के अंदर ज्यादा है, तो सब ये हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीन स्टेज है उसको बताना आपको, जुवेनाइल स्टेज क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, सीनेसेंस एज क्या होती है। जुवेनाइल स्टेज में चाइल्ड बर्थ होगा, उसके बाद में रिप्रोडक्शन होगा, उसके बीच का टाइम होगा, उसको कहेंगे कि जुवेनाइल फेज चल रही है। अब उसके बाद सीड जर्मिनेशन हुआ, जब तक उसमें फ्लोरिंग होगा उसके बीच में, जैसे प्लांट के अंदर इसमें मार्फोलॉजिकली कुछ चेंजेज होंगे, मार्फोलॉजिकली ग्रोथ होगी, ठीक है, मार्फोलॉजिकली इसके अंदर कुछ ग्रोथ होगी और ये आकार में बड़ा होगा। इसको कुछ हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं, कुछ लाइट भी इफेक्ट करती है, कुछ टेम्परेचर भी इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण इसमें फ्लोरिंग होती है, ठीक है। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेशन करते हैं। अब बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो आरबी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है, आरबीसी का बोर्ड का एग्जाम होगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन पुटअप कर दिया इन्होंने कि भाई क्या होता है, जैसे आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके पास में क्या है, राइस का प्लांट है, ठीक है, इसी तरह से अपन देखते हैं राइस के अलावा जैसे वीट का प्लांट है, कोकोनट का प्लांट है, ठीक है, मैंगो का प्लांट है, इन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कितने टाइम बाद होता है,
अब आप लोगों को क्या करना है, अपने आसपास घूमना है और इनमें फ्लोरिंग का टाइम डॉट पर करके मुझे बताना है कि सर इस राइस में कितने टाइम, जैसे गेंदा फूल भी आपने देखा होगा तो ये राइस है, वीट है, कोकोनट है, मैंगो है, इसमें फ्लोरिंग में कितना टाइम लगता है, आज मैंने सीड का जर्मिनेशन किया है, राइस उगाया है, इसमें कितने टाइम के बाद इसमें फूल आएंगे, ये जैसे वीट है इसको उगाया है कितने टाइम के बाद इसमें फूल आएंगे। मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोग ज्यादा टेंशन लो मत, लगभग क्या है इसमें 50 से 60 दिन का टाइम लगता है, इसमें भी 50 से 70 दिन के बीच में क्या होते हैं राइस इसमें आ जाते हैं फ्लावर। कोकोनट में क्या होता है 3 से 5 साल के बाद में फ्लावर्स आते हैं और मैंगो में 8 से 10 साल के बाद फ्लावर आते हैं। आप लोग ऐसे टेंशन में आ गए कि सर हम कहाँ ढूंढे, तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है एक बार फ्लावरिंग हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हो गई, फिर कुछ टाइम तक फ्लावरिंग नहीं हुई, वापस उसमें फ्लावरिंग हुई, तो ये कौन सी स्टेज में चला गया, ये बीच में जो स्टेज है उसी स्टेज को क्या कहेंगे, जुवेनाइल स्टेज कहेंगे या रिप्रोडक्टिव स्टेज कहेंगे। तो आपको पता ही है एक बार रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर हो गया है तो उसमें क्या होता है वो रिप्रोडक्शन एज में ही रहता है, उसके बाद नेक्स्ट एज कौन सी आती है, सीनेसेंस आती है। इसलिए सवाल ऐसा बच्चों जैसा सवाल अपन से बुक वाले ने पूछ लिया कि एक प्लांट है उस प्लांट में फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लावरिंग वापस होता है उसमें, जैसे आज फूल आया उसके बाद में क्या हुआ एक साल बाद वापस उसमें फूल आया, तो ये बीज की स्टेज क्या है, तो ये रिप्रोडक्शन स्टेज में जा चुका है, इसका मतलब बीज में रिप्रोडक्शन स्टेज ही रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये कितना टाइम होता है वो मैंने आपको बता दी, जैसे गेंदा वगैरह होता है उसमें भी आपके क्या है लगभग 50 से 70 दिन का टाइम लगता है, इसमें 50 से 70 दिन डेढ़ 2 महीने के बाद इनमें फूल आ जाते हैं, इसमें 3 से 5 साल तक फूल आते हैं और इसमें मैंगो में 8 से 10 साल तक फूल आते हैं, ठीक है। अब कुछ चेंजेस होते हैं, अब इन्होंने एक क्वेश्चन फिर पुट अप किया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कोई मैन है, ह्यूमन बीइंग्स है, क्या है, कोई ह्यूमन है, उस ह्यूमन के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एंटर होगा, कोई भी ह्यूमन है जब वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एंटर होगा तो उसमें कौन कौन से चेंजेज होंगे, बताओ बच्चों कौन कौन से चेंजेज होंगे, दिमाग लगाओ कि कोई बच्चा है वेस्ट, जैसे वो एडोलेसेंस स्टेज में चला गया है फिर उसके बाद वो जैसे रिप्रोडक्टिव एज मतलब एडोलेसेंस स्टेज में गया, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर गया है, बताओ उसमें कौन कौन से चेंज होंगे, नोटिस किया आपने कभी, मैं आपको बताता हूं आप पहचान लोगे कि ये रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कौन कौन से चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर ह्यूमन के अंदर। सबसे पहले मेल की बात करते हैं, मेल होता है उस मेल में क्या होता है सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसमें डेवलप आ जाते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आप जानते हो बॉडी में कुछ पार्ट्स में हेयर्स ग्रोथ होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो मसल्स होती है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, बॉडी के कुछ पार्ट दाढ़ी मूंछें आ जाती है, आवाज थोड़ी थिक हो जाती है, आवाज मोटी मोटी हो जाती है, भारी भारी हो जाती है, इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक हो जाता है उसमें, ठीक है, ये आपको बताना अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स के प्रति अट्रैक्ट होता है, तो मेल आप देखते ही पहचान जाते हो उसकी मसल्स ज्यादा डेवलप होती है, बॉडी के पार्ट्स में हेयर आते हैं, उसके अलावा उसकी आवाज मोटी हो जाती है, और उसके अलावा उसमें आपको बताना है दाढ़ी मूछे वगैरह आ जाती है। फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर वही है, सबसे पहले आप बताओगे सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे उसके अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाएगी, जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो डेवलप हो जाएगी, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें डेवलप हो जाएंगे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से आप आराम से डिटर्मिनेशन कर सकते हो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जा चुकी है, वही बॉडी के कुछ पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होंगे, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होगा, इसके अलावा आप देखोगे स्वभाव मधुरता आएगी, जो बकेट पार्ट है उसमें क्या होगा ज्यादा से ज्यादा जमा होगा फेट का, ठीक है, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स होंगे उसमें हेयर्स ग्रोथ होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे जो कुछ एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावरिंग। अब अपन कुछ फ्लावर्स का एग्जाम्पल लेंगे, फ्लावर्स है उनको कुछ समझेंगे, कुछ सीजनल फ्लावर्स होते हैं जो विशेष ऋतु के अंदर आते हैं और कुछ क्या होते हैं पेरिनियल फ्लावर्स होते हैं जो पूरे साल आते हैं।
अब फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकार्पिक, कैसे होते हैं मोनोकार्पिक, और एक होते हैं पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब लाइफ स्पेन में एक बार ही फ्लावर आता है, ऐसे प्लांट जिनके लाइफ स्पेन में वन टाइम फ्लावर, एक वन टाइम ही क्या होगा फ्लावर आएगा, उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। और इसके लाइफ स्पेन में क्या होता है, लाइफ स्पेन में मेनी टाइम्स फ्लावर ग्रोइंग ओरिजिन, यानी बहुत ज्यादा बार क्या होंगे, मेनी टाइम्स क्या होंगे फ्लावर्स आएंगे, उसको कहेंगे पॉलीकार्पिक। अब मोनोकार्पिक का सबसे पहला एग्जाम्पल होता है, जैसे अपन कहते हैं कि कुछ एक वर्षीय प्लांट्स होते हैं जिनको अपन कह रहे हैं, जैसे ये वीट है, वो क्या करते हैं अपने लाइफ स्पेन में एक साल जिंदा रहते हैं। राइस है, इनके अंदर ज्यादातर के अंदर क्या होता है मोनोकार्पिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं। जो एनुअल प्लांट्स है जैसे वीट है राइस है, उनके अंदर क्या होता है ये मोनोकार्पिक होते हैं। पेरिनियल प्लांट्स में एक नाम दे रखा है बंबू, क्या नाम दे रखा है बंबू, ये एक्चुअल में क्या बहुत साल जिंदा रहता है, इसका लाइफ स्पेन होता है 50 से 100 साल। कितना होता है बताओ, इसमें कितनी बार पुष्प होगा फ्लावरिंग होगी, एक बार होता है, यानी लाइफ स्पेन में जब ये लास्ट स्टेज में चला जाएगा तब इसमें क्या होगी फ्लावरिंग होगी, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद ये बंबू है वो डाई हो जाएगा। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्ट्रोबिलियंथस कुंथी, स्ट्रोबिलियंथस कुंथी एंड कुंथी आना, इसको कहते हैं नीला कुरेंजी, क्या कहते हैं नीला कुरेंजी। ये नाम आपको याद रखना बच्चों, ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आज जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना एक ऐसा प्लांट है जिसका लाइफ स्पेन होता है 12 साल, यानी ये 12 साल तक जिंदा रहता है, और जब मरने वाला होता है उसके कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, ये वॉयलेट कलर के फ्लावर ओरिजिन करता है, और ये बहुत ज्यादा संख्या में वॉयलेट कलर के फ्लावर ओरिजिन करता है। अब इस प्लांट्स का इंपॉर्टेंस सुनो, ये क्या करता है, ये जितने भी जो पर्यटक होते हैं उनको आकर्षित करता है। जैसे अपन देखते हैं केरल है, केरला के अंदर ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर, इसके अलावा आपको बताना है कर्नाटक के अंदर क्या होता है, और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उस पे ये पौधा उगता है, और इसमें क्या इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं, एक बार आते हैं। अब इसमें 2006 के अंदर फूल आए थे, कब आए थे 2006 में फूल आए थे, फिर 2018 में फूल आए, फूल आने के बाद ये क्या होता है फ्लावर आने के बाद ये पौधा डाई हो जाता है, फिर उसके बाद नए पौधे उगते हैं, उन नए पौधों से फूल कितने टाइम बाद आता है 12 इयर्स के बाद, 12 इयर्स के बाद फ्लावर आता है। तो ये नाम याद रखना है, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो लाइफ स्पेन तो ज्यादा है लेकिन उसमें हर 12 साल के बाद फूल आते हैं, तो स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, कुंथी नाम आपको याद रहेगा, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना नाम याद रखना है। इसमें फूल क्या होते हैं 12 साल के बाद आते हैं, आने के बाद ये पौधा मर जाता है। अब ये 2006 में फूल आए, 12 साल बाद 2018 में फूल आए थे, तो ये एक फूलों की इतनी अच्छी एक परत बन जाती है कि लाखों लोग उस फूलों को देखने आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2018 में फूल आ चुके हैं तो इसमें कब फूल आएंगे 2030 में, बच्चों अपन भी चलेंगे 2030 में फूल देख रहे हैं कि केरल में तमिलनाडु में नीलगिरी की जो हिल्स है उसमें अपन क्या करेंगे फ्लावर देखने चलेंगे। अब अपने ये ध्यान रखना है पॉलीकार्पिक में तो कोई समस्या ही नहीं है कि इसमें क्या होता है लाइफ स्पेन में बार बार फूल आते रहते हैं, जैसे मैंगो में फूल आएंगे एक सीजनल में, फिर उसके बाद फूल आते रहेंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये दो एग्जाम्पल आप बंबू है और ये स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, इस एग्जाम्पल को याद रखना है। बच्चों आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स भी बनाएं, आप लोग थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहे साथ में, आपको नोट्स बनाओगे तो आपको क्या रहेगा आसानी रहेगी, आप वीडियो जब चाहे तब देख सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी पूरी पहले चैप्टर की, जैसे मैंने दूसरे और तीसरे की चैप्टर की बना दी, फिर आपको वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, वीडियो देखोगे और आपके सामने वीडियो आ जाएगा। अब क्या होता है एनिमल्स भी क्या करते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर,
एक कैसे होते हैं सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और एक होते हैं जिनका नाम होता है कंटिन्यूस ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर। अब ये कंटिन्यूस ब्रीडर तो क्या है कि नॉर्मली कंप्लीट लाइफ स्पेन तक क्या करते हैं, जब तक ये जिंदा रहते हैं लगातार रिप्रोडक्शन करते रहते हैं कंटिन्यूस, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन क्या करता है लगातार रिप्रोडक्शन करता रहता है। लेकिन सीजनल ब्रीडर में क्या होते हैं, स्पेशल सीजन होती है, उस सीजन के अंदर ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कुछ लोग कुछ बारिश में करते हैं, कुछ गर्मियों में करते हैं, कुछ सर्दियों में करते हैं, तो ये सीजन होती है अलग अलग, अपन कहते हैं जैसे कि विंटर है समर है उस सीजन में करते हैं। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स एक सीजन में ही क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा जैसे डॉग होता है वो एक सीजन बारिश की सीजन में रिप्रोडक्शन करता है, काउ होती है वो एक स्पेशल सीजन में रिप्रोडक्शन करती है, ये कुछ एनिमल्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। अब इनमें दो टाइप के साइकिल्स आपको याद रखने हैं, एक साइकिल का नाम होता है ऑयस्ट्रेस साइकिल्स, एस्ट्रेस साइकिल्स है ऑयस्ट्रेस साइकिल्स, और दूसरा होता है मैंचुरल साइकिल। ये दो टाइप के साइकिल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मैंचुरल साइकिल कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, प्राइमेट्स में, किसमें पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स कौन है, ह्यूमन प्राइमेट्स है, इसके अलावा मंकी प्राइमेट्स है और एप प्राइमेट्स है। इन तीनों के अंदर क्या होता है मैंचुरल साइकिल होता है, और ये क्या करते हैं एक कंटिन्यूस ब्रीडर का रोल करते हैं, लगातार रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ऑयस्ट्रेस साइकिल्स होता है वो इन सीजनल ब्रीडर्स में पाया जाता है, जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल्स है, जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, जो नॉन प्राइमेट मैमल है उसके अंदर क्या पाया जाता है ऑयस्ट्रेस साइकिल्स पाया जाता है। इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे अपन डॉग है, काऊ है, ये जैसे आपको बताना कैट है, लॉयन है, ये जैसे डियर है, हॉर्स है, ये सब क्या है एलिफेंट्स है, ये सब ऑयस्ट्रेस साइकिल्स वाले एनिमल्स होते हैं। इसमें एक सीजन होती है, उस सीजन के अंदर ओव्यूलेशन होता है पॉपुलेशन के बाद, और ये क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने, आपके क्वेश्चन ये इसका डिफरेंट नहीं पूछा जाता है, ना आपके दे रखा डिफरेंट, आपके सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है ऑस्ट्रेस साइकिल्स कौन से एनिमल में पाया जाता है और मैंचुरल साइकिल कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, सीजनल ब्रीडर कौन है और ये कंटिन्यूस ब्रीडर कौन है। तो सीजनल ब्रीडर्स आपको बता रहे जो स्पेसिफिक सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मुर्गी होती है, हैन होती है, क्या है वो कंटिन्यूस ब्रीडर है सीजनल, वो सीजनल ब्रीडर ही है, लेकिन उसमें क्या होते हैं कुछ हार्मोन्स कुछ ऐसे उसको एनवायरमेंट में रखा जाता है, वो कंटिन्यूस ब्रीडर में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या किया जाता है कि इम्पोर्टेंस है, यानी ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो हेल्थ के ऊपर डिपेंड हो जाता है, तो उसको कंटिन्यूस ब्रीडर में चेंज कर दिया जाता है। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।